नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी उपस्थित हूँ एक बार फिर आपके बीच शाम के कुछ खास खबरों में। और खबर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले यूपी के वाराणसी जिले से, जहां संस्कृत विश्वविद्यालय में पंडित श्री कमलापति त्रिपाठी की 116वीं जयंती मनाई गई। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना, आज वाराणसी के संस्कृत विश्वविद्यालय में पंडित श्री कमलापति त्रिपाठी की 116वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान वृक्षारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद के त्यागी रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके किया गया, जिस मौके पर बटुकों द्वारा मंत्रोच्चार भी किया गया। देखें यह वीडियो। साथ ही पंडित जी के चित्र पर पुष्पांजलि एवं माल्यार्पण माननीय अति। अब आगे कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन के उपरांत तो प्रोफेसर आनंद के त्यागी ने पंडित श्री कमलापति त्रिपाठी के फोटो पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बोले कि संस्कृत भाषा भारतीय संस्कृत का दर्शन है। देखें ये वीडियो। अब कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रोफेसरों ने दोनों विश्वविद्यालयों को कुलपतियों को माला पहनाकर स्वागत किया। देखें ये वीडियो। संकाय के संकाय अध्यक्ष हैं, आपसे निवेदन है कि माल्यार्पण कर स्वागत करें। और प्रोफेसर ईरककांत चक्रवर्ती, जो आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय के संकाय अध्यक्ष हैं, आपसे निवेदन है कि प्रोफेसर विदु द्विवेदी जी, जो क्या प्रोफेसर। कार्यक्रम के दौरान प्रोफेसर ललित कुमार त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय संस्कृत को परिवर्तन करना है तो संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना होगा। कुलपति प्रोफेसर हरे राम त्रिपाठी ने कहा कि इस विश्वविद्यालय के लिए बहुत गौरव की बात है कि भारत देश के निर्माता इस संस्था के निर्माता रहे हैं। काशी में 3 विश्वविद्यालय हैं, तीनों 3 कोने पर होने से त्रिकोण बनाते हैं। पंडित जी एक ऐसे व्यक्तित्व के थे जो कि स्वयं में संस्था थे। उनके अनेकों योगदान को सदैव यह देश याद रखेगा। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्रयागराज गंगानाथ झा परिसर के निदेशक प्रोफेसर ललित कुमार त्रिपाठी ने बतौर मुख्य वक्ता कहा कि पंडित जी की जीवनी अत्यंत साधना युक्त था। कमलापति त्रिपाठी का जन्म 3 सितंबर 1905 को हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित नारायणपति त्रिपाठी था। वे मूल रूप से पंडी के त्रिपाठी परिवार के थे। यह विश्वविद्यालय ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों एवं आचार्यों के कठोर साधना का स्थल है। इसके एक एक धूल के कण स्पर्श करने और मस्तक में लगाने से जीवन धन्य कर देता है। यहाँ का दिव्य इतिहास को समेटे हुए एक तपोभूमि के रूप स्थापित है। धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर रमेश प्रसाद ने किया। उक्त मौके पर मुख्य रूप से प्रोफेसर हेतराम, प्रोफेसर रामपूजन पांडे, प्रोफेसर रमेश प्रसाद, प्रोफेसर सुधाकर मिश्र, प्रोफेसर महेंद्र पांडे, प्रोफेसर जितेंद्र कुमार, प्रोफेसर कमल कांत त्रिपाठी, प्रोफेसर विधु द्विवेदी, डॉक्टर लालजी मिश्र, डॉक्टर विजय पांडे, डॉक्टर विद्या चंद्रा, डॉक्टर राजा पाठक, डॉक्टर मधुसूदन मिश्र, विजय मणि, जनसंपर्क अधिकारी शशीन्द्र मिश्र आदि उपस्थित रहे। देखें वाराणसी से सूर्य प्रकाश की ये खास रिपोर्ट।